है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। नामांकन के लिए जाते समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की तादाद में नारेबाजी करते हुए निकाला जुलूस, लेकिन बड़ी बात यह रही कि सभी कार्यकर्ता बिना मास्क के जुलूस में शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 की उड़ाई खुली धज्जियां। बता दें, स्नेहा लता बबली हैं कांग्रेस प्रत्याशी। तुमला उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया चल रही है, वहीं पार्टियों में आज सबसे पहले कांग्रेस की प्रत्याशी स्नेहा लता बबली ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें, कांग्रेसी प्रत्याशी स्नेहा लता बबली एक बड़े जुलूस के रूप में नामांकन स्थल पर पहुंची और बता दें, सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुलूस में नारे लगाते हुए चल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि कोरोना का काल होने के बावजूद कहीं भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दी। कार्यकर्ता बिना मास्क लगाए हुए जुलूस में शामिल होकर नारेबाजी कर रहे थे और वहीं धारा 144 का भी खुला उल्लंघन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। जब इस बारे में कांग्रेसी प्रत्याशी स्नेहा लता बबली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने किसी कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया था, यह सब इन कार्यकर्ताओं का प्यार है जो खुद यहां चले आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल का यहां बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। पीछे नामांकन करने आए हैं, क्या उम्मीद रखती हैं आप? मैं यहाँ से पूरा जीत का उम्मीद करती हूँ और अपनी पार्टी को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जो मतलब आपने अपने परिवार को जो टिकट दिया है, और ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूर दलित और सब वर्ग की पार्टी है, किसी एक विशेष व्यक्ति वर्ग की पार्टी नहीं है। ये दिखाना चाहूँगी कि हमारी पार्टी, जो बहन हमारी प्रियंका जी जो हमारे लिए संघर्ष कर रही हैं, आज उनका ये जो संघर्ष रंग ला रहा है और इस सीट को हम जिता के देंगे। आपको पता है कोरोना काल चल रहा है जी, और सोशल डिस्टेंस बिल्कुल आपके कार्यकर्ताओं में नहीं है। जुलूस निकाला गया, कोई परमिशन नहीं थी, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है ना, मैं आपको बता दूं, मैंने इन कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया, लेकिन इनका प्यार, इनका उत्साह, इनका अपनापन, ये यहाँ पर आया। इनको आप खुद बताइए, मैं अगर आपके घर में चार लोग को ले जाके बैठ दूं, छोटा सा घर है, क्या आप वहाँ पे ये धक्के लगा के बाहर करोगे? ये मेरे परिवार का, मेरी पार्टी का और मेरी विधानसभा का प्यार है, और इस प्यार के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि अब जो है भैया आप लोग के साथ। आपने मास्क लगा रखा है, कार्यकर्ता की मास्क नहीं लगाया, हम पे वीडियो है। मैंने आपको बता दिया ना कि ये मेरा परिवार है, हमारी पार्टी गरीब दलित मजदूरों की पार्टी है, ये आए दिन मजदूरी करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो इनको आदत नहीं है मास्क लगाने की। मास्क लगाने की उनको आदत होती है जो एसी में बैठते हैं, एसी से बाहर निकलते हैं बस, और ये सब हमारे मजदूर भाई हैं। किससे फाइट मानती हैं अपने चुनाव? मैं तो आज की डेट में किसी से नहीं मान रही हूँ, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा अपना वोट बैंक है, उसके बाद में मेरी जो पार्टी है उसमें सभी जाति सभी धर्म के, और सभी लोग आप यहाँ देख रहे होंगे, कोई भी ऐसी जाति धर्म नहीं है जो मेरे साथ नहीं है, और इन लोग को मैंने बुलाया नहीं है, मैंने अपना खर्चा कुछ नहीं दिया, ये इनका प्यार इनका अपनापन यहाँ खींच के इनको लेके आया है। तो अब इस उम्मीद से आप खुद इस बात को कह सकते हैं कि मेरी किसी से फाइटिंग हो सकती है।